हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रांच। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले उनके लिए बता दूं, इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी। इसमें आपकी इस प्लेलिस्ट में आपकी एक तो बुक कवर हो जाएगी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सोशियोलॉजी के वो भी क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, करंटली वी आर ऑन आवर सेकेंड चैप्टर। तो अभी तक हमने सेकेंड चैप्टर में क्या देखा है, क्विक रिविजन देख लेते हैं सेकेंड चैप्टर का। पहले सोशियोलॉजी है साइंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला फाउंडिंग फादर जो थे सोशियोलॉजी के, वो चाहते थे कि हम सोशियोलॉजी को वैसे ही पढ़ें जैसे एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की स्टडी होती है, हेंस द चैप्टर सोशियोलॉजी है साइंस। साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया कि क्या ये मेथड होता है और उसका क्रिटिसिज्म, और क्या सोशियोलॉजी के लिए साइंटिफिक मेथड जो है वो एक परफेक्ट मेथड है कि नहीं, ऐसी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी कौन कौन सी होती है सोशियोलॉजी में, उसको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो आपके इंटरप्रेटिव होते हैं और मैक्रो आपके पॉजिटिविस्ट वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविस्ट में हमने एक्सप्लेन किया है पॉजिटिविस्ट कौन से होते हैं, जो आपके फाउंडिंग फादर्स थे जो कहते थे सोशियोलॉजी को स्टडी करो नेचुरल साइंस के मेथड पे। ये मैक्रो पर्सपेक्टिव वाले हैं, और माइक्रो वाले आपके इंटरप्रेटिव हैं जो कहते हैं इंडिविजुअल मीनिंग्स को, सिम्बल्स, मोटिव्स वगैरह, इन पे हमें, सोशल एक्शंस, इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सोशियोलॉजी को स्टडी करते टाइम। ठीक है, तो इसके आगे फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, और इसमें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड एथनोमेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। फिर पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म का क्रिटिक, वो हमने इसमें पढ़ा। ठीक, आगे देखते हैं, पॉजिटिविज्म हमने एक्सप्लेन किया। फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है और सोशियोलॉजी में कितना पॉसिबल है फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी को अपने स्टडी के अंदर लेके आना। ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी, ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। जिसने वो नहीं देखा है, मेरी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है नितिन सांगवान, आप उस पर क्लिक करें और आपको सारे वीडियोस अभी तक के जो हमने कवर किए हैं वहाँ मिल जाएंगे। तो हम आज नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी में हमारा पॉजिटिविज्म का हो गया, पॉजिटिविस्ट हमने पढ़ लिए। फाइन, अब हम देखते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। नॉन पॉजिटिविस्ट कौन से होते हैं आपके, नॉन पॉजिटिविस्ट को आप एंटी पॉजिटिविस्ट भी बोलते हो। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि सोशियोलॉजी को आप बिल्कुल साइंस के इसमें अगर पढ़ना चाहो साइंटिफिक मेथड में, तो वो सोशियोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी में आप जिनके साथ डील करते हो वो ह्यूमन बीइंग्स है, एंड ह्यूमंस जो है उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपना थॉट प्रोसेस है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे हम साइंटिफिक मेथड में क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे। जैसे मैंने आपको कार्ल मार्क्स की एग्जांपल इसमें दी, मार्क्स ने क्या कहा कि आने वाली हमें फाइनली एक फिर से कम्युनिज्म वाला दौर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें फिर से सिंपल सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। दैट मीन्स इन्होंने एवोल्यूशन से बात करके फ्यूचर सोसाइटीज कैसी होंगी उसको प्रिडिक्ट किया। ये मैक्रो पर्सपेक्टिव वाले हैं, पॉजिटिविस्ट थॉट वाले हैं। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी, ये जो नॉन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनका मानना है हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी आपको क्या करना है, करंट जो एक्शन हो रहा है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो उस एक्शन को क्या मीनिंग देते हैं, वो उस एक्शन को कैसे देखते हैं, उनका मोटिव क्या है उस एक्शन के पीछे। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है, ना कि यूनिवर्सल ग्रैंड थ्योरीज की बातें करने की। फाइन, अब हम देखते हैं सर ने बुक में क्या लिखा है। When it was realized by the scholars that sociological issues cannot be addressed using fixed laws only, they turned from positivism to non-positivism. ठीक है, अब जो positivists हैं, they saw society as given and man as mere part of it, governed by its rules. अब देखो पॉजिटिविस्ट जो है वो प्रेसिडेंस हमेशा सोसाइटी को देते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी जो है आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन सोसाइटी आपको गवर्न करेगी। कैसे, सोसाइटी कुछ नॉर्म्स बनाती है, वैल्यूज बनाती है, सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये शेप करती हैं ह्यूमन बीइंग को, जो किसी हद ह्यूमन बीइंग को शेप करती हैं। ठीक है, ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन फिर पॉजिटिविस्ट कहाँ ओवरबोर्ड हो जाते हैं कि वो ओवर सोशलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं मैन को, कि ह्यूमन बीइंग की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी, अपना कोई वर्थ नहीं है। जैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को रखना चाहे वैसे इंडिविजुअल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल के लिए अगर रिलीजन इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए है क्योंकि वो सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमेशा सोसाइटी को प्रेसिडेंस देंगे। लेकिन नॉन पॉजिटिविस्ट ने ये रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा मैन जो है, दे कंसिडर मैन एज एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग बीइंग हु कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस सोसाइटी। ये वन वे रिलेशनशिप नहीं है कि सोसाइटी ने मैन को इन्फ्लुएंस किया, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, टू वे रिलेशनशिप है। अगर सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है तो मैन भी इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। उन्हें रिजेक्ट किया ओवर सोशलाइज कंसेप्ट ऑफ मैन। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी जो है उन्होंने दे ट्राई टू गेज व्हाट गोज इनसाइड द माइंड ऑफ द मैन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द सोसाइटी। तो उन्होंने मैन की जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन आइडियोलॉजी, इन सब चीजों की बात की, ना कि सिर्फ एक ग्रैंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया लाइक योर पॉजिटिविस्ट्स। अब देखो, इवन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए फॉर्मल डिसिप्लिन, सच आइडियाज वर प्रिवेलेंट। कैसे, कहाँ प्रिवेलेंट थे? आपके पास जर्मन आइडियलिस्ट स्कूल था, उन्होंने अटेम्प्ट किया डिफाइन करने के लिए सोशल रियलिटी को डिफरेंटली। उन्होंने कहा आपका जो सोशल वर्ल्ड है वो अलग है आपके नेचुरल वर्ल्ड से। नेचुरल वर्ल्ड जिसमें आप बायोलॉजिकल आस्पेक्ट लोगे, मैन वुमेन, ठीक है, ये वाली बातें करोगे। सोशल वर्ल्ड जहां बात आती है तो वहां पे आप इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, सिंबल्स, मोटिव्स, यूनिकनेस ऑफ सोसाइटी, हर सोसाइटी अलग है, सोसाइटी की यूनिकनेस क्या है, ठीक है, उन सब चीजों की बात करोगे, आइडियोलॉजीज की बात करोगे, इंटरप्रेट करोगे लोगों के मीनिंग्स को, सिंबल्स को। तो ये उन्होंने कहा, आइडियलिस्ट स्कूल ने इन दो चीजों के बीच में एक डिफरेंस ड्रॉ किया। ये कहने का मकसद क्या है, सोशियोलॉजी हमें पता है यंगर सोशल साइंस है, यंगेस्ट सोशल साइंस है। इसके इस्टेब्लिश होने से पहले भी ये बातें हुई हैं कि आपके जो नेचुरल वर्ल्ड है और सोशल वर्ल्ड है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली नया थॉट नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स आप अपने आंसर में कहीं लिख सकते हो। तो जर्मन आइडियलिस्ट स्कूल जो है ये आप याद रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू देम सोशल वर्ल्ड जो है इज बेस्ड अपॉन द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, सिम्बल्स, मोटिव्स, ठीक है। जॉर्ज हीगल जो थे जर्मन आइडियलिस्ट थे, एक आइडियलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते थे। इन्होंने कहा सोशल फिनोमेना आर रिजल्ट्स ऑफ आइडियाज विच आर जनरेटेड इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दीज आइडियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिस्ट्री। इन्होंने कहा हमें आइडियाज को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। जो सोशल फिनोमेना है वो आइडियाज से जनरेट होते हैं। सोसाइटी में अगर कुछ चीज हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपके आइडियाज से जनरेट हो रही है। और वो आइडिया कहाँ से आया है? वो आइडिया आया है फ्रॉम द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, और यही आइडियाज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्ट्री। अब देखो, अगर पॉजिटिविस्ट की जो थॉट प्रोसेस है उसको उस पर भी आप ये अप्लाई करोगे, वहां भी अप्लाई होता है। चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो या कोई भी ऐसा इवेंट देखो जो हिस्ट्री में आकर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड, कहीं ना कहीं पहले एक आइडिया डेवलप हुआ होगा, उसके अराउंड फिर सारा जो स्टोरी है वो चलती है। तो ये गलत नहीं थे। ये जो आइडिया, आइडियोलॉजी की चीजें हैं इसको हम अप्लाई अगर करना चाहें तो पॉजिटिव स्कूल पे भी कर सकते हैं। ये जो ट्रेडिशन है इट वाज कैरीड ऑन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये अल्टरनेटिव था टू पॉजिटिविज्म, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट का। ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये आपको एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशन, ये वैसी बात करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंडर। ये इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करता है। ये इंटरैक्शनल अप्रोच है, दैट मीन्स ये दो इंडिविजुअल्स के बीच का जो इंटरैक्शन है ये उसकी बात करेगा। फाइन। ये एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है और ये एक माइक्रो पर्सपेक्टिव, ये भी क्लियर, क्योंकि ग्रैंड थ्योरीज डेवलप करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और ये छोटी बात है, दो इंडिविजुअल्स का इंटरैक्शन क्या हो रहा है उस पर ध्यान देगा। तो इसका एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है। पॉजिटिविस्ट में दे हैव ए नॉर्मेटिव अप्रोच, और इनकी एक इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच है। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है? जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इन सब चीजों पे फोकस करे। और इंडिविजुअल सेंट्रिक क्या हुआ? जो इंडिविजुअल पे फोकस करे। और जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज पैटर्न्स कौन से, जो आपकी सोसाइटी डिटर्मिन करेगी। ये नोमोथेटिक व्यू लेता है, ये इडियोग्राफिक व्यू लेता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है जहाँ पे हमने ये रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस किया था। नोमोथेटिक होता है जो नॉर्म सेट करता है, वैल्यू सेट करता है, ठीक है, जो एक यूनिवर्सल लॉज बनाता है, जनरलाइज करता है चीजों को। और इडियोग्राफिक होता है जो स्पेसिफिक इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। फाइन। तो पॉजिटिविस्ट जो है वो नोमोथेटिक व्यू लेते थे, और नॉन पॉजिटिविस्ट ने बाद में इडियोग्राफिक व्यू लिया। ये हमने किसमें एक्सप्लेन किया था? जब हमने कहा था हिस्ट्री जो है वो इडियोग्राफिक है और नोमोथेटिक कौन सी है आपकी? सोशियोलॉजी, ठीक। ये क्वांटिटेटिव टूल्स प्रेफर करते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स करते हैं। ये हमें आगे एक्सप्लेन करना है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये प्रोवाइड करते हैं कॉजल एक्सप्लेनेशन और डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना। ये डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना। कॉजल एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जो कॉज एंड इफेक्ट बताता है और जनरलाइज करता है कंक्लूजन्स को, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट मैंने आपको पहले भी कहा, ये कॉज एंड इफेक्ट साइंटिफिक मेथड है, साइंस में यूज करते हैं। और वो इसको चाहते थे कि सोशियोलॉजी जो है वो भी कॉजल एक्सप्लेनेशंस दे। कॉज एंड इफेक्ट मींस फॉर एग्जांपल पानी हम बॉईल करते हैं, तो बॉईल करना कॉज है, आगे उसका इफेक्ट क्या है? इवेपोरेशन, ठीक। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल होगी कॉज एंड इफेक्ट की। वैसे ही चाहते थे जब हम सोशियोलॉजिकल लाइंस पे को एक्सप्लेन करें तो हम उसका कॉजल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें और फिर जो कंक्लूजन्स है उनको जनरलाइज करें। लेकिन नॉन पॉजिटिव से बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं इंडिविजुअल फिनोमेना जो है उसको डिस्क्राइब करो। तो ये फोकस करते हैं फिनोमेना पे। प्राइम रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड आर सर्वे क्वेश्चनियर्स एटसेट्रा, और इसमें यूज करते हैं टेक्निक्स लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जिसमें सारे मेथड्स देखेंगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वगैरह क्या है। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, पर अभी वाला चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर ये चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूं। तो आगे देखते हैं, वेबर जो था ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, वो पायनियर थे नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच के, और बाकी जो नॉन पॉजिटिविस्ट में बिलीव करते थे वो थे मीड, हर्बर्ट ब्लमर, शूट्स, अल्फ्रेड शूट्स एटसेट्रा। ठीक है, वेबर जो थे ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी। वेबर हमें सेपरेट थिंकर पढ़ना है चैप्टर 4 में, मीड भी हमें सेपरेटली पढ़ेंगे। मीड जो है उन्हें पायनियर किया था कंसेप्ट ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये हमें आगे चैप्टर में पढ़ना है। वेरियस नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स विच इमर्ज इंक्लूड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, आइडियल टाइप्स, वर्स्टन ऑफ वेबर, फिनोमिनोलॉजी ऑफ अल्फ्रेड शूट्स एंड एथनो मेथोडोलॉजी ऑफ हेरल्ड गॉफिंकल। ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है अभी। अब जो सारे हमने मेथड्स पढ़े ये किस टर्म के अंदर आते हैं? इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है। तो अब इन सारे एलिमेंट्स में क्या कॉमन है इन मेथोडोलॉजीज में, कि जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं वो स्टडी करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस। मैंने कहा दे स्टडी व्हाट गोज इनसाइड द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, वो सिर्फ सोसाइटी स्पेसिफिक बातें नहीं करते। विच आर दीज, जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमोशंस, मोटिव्स आपका मकसद, इंटेंशंस कोई काम करने के लिए, एस्पिरेशंस, और जो इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल रियलिटी है। ठीक है, नॉन पॉजिटिविस्ट है ये कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड है, उनको यूज करो ना कि साइंटिफिक मेथड को। जो अर्लियर नॉन पॉजिटिविस्ट है हाउएवर लाइक वेबर, मीड, उन्होंने एम्फेसाइज किया था अपॉन द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, और कुछ एग्जांपल्स भी दी थी उन साइंटिफिक मेथड्स की, जैसे आइडियल टाइप्स वगैरह। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप करके एग्जाम्पल बताई थी। बट लेटर नॉन पॉजिटिविस्ट जैसे थे लाइक अल्फ्रेड शूट्स एंड गॉफिंकल, दे आउटराइटली रिजेक्टेड देयर यूज, किनका यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, आगे देखते हैं, जो नॉन पॉजिटिविस्ट थे ऑल्सो सजेस्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी एंड नॉट द प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स। इन्होंने कहा प्रेडिक्शन नहीं करो इवेंट्स को, बस जो हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक, दे रेफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल यूनिवर्सल थ्योरी, जनरल यूनिवर्सल थ्योरीज फॉर्मुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। While Weber and Mead stressed upon cause and effect relations, Schutz eliminated such a possibility. अब देखो नॉन पॉजिटिविस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस है, जो अर्लियर थे वो थोड़े बहुत अलाइन थे साइंटिफिक मेथड वगैरह की तरफ, और वो कॉज एंड इफेक्ट पे भी बिलीव करते थे, लेकिन जो लेटर नॉन पॉजिटिविस्ट आ गए थे दे आउटराइटली रिजेक्टेड दीज मेथड्स। नॉन पॉजिटिविस्ट जो थे also highlighted impossibility of total objectivity and hence were accommodative of subjectivity in research। ठीक है, तो ये कैसे subjectivity को भी लाओ research में, और total objectivity है वो impossible है। कुछ non positivist methodologies हमें यहाँ देखनी है। इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी जो है, जैसे मैंने अभी कहा, ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर क्या क्या आता है? फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एटसेट्रा, ये तीनों चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस अप्रोच वॉज फर्स्ट यूज बाय मैक्स वेबर, अपनी बुक में मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए बुक याद रख सकते हो। वेबर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियलिस्ट लाइक रिकर्ट एंडल थे। ठीक है, ये आइडियलिस्ट थे, वेबर उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। आइडियलिस्ट क्या बोलते हैं आपके, कि जो आइडियाज है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग चेंजेस इन दी सोसाइटी, और हिस्ट्री में भी चेंजेस आपके आइडियाज से ही आई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंटरप्रेट द मीनिंग्स अटैच्ड बाय द इंडिविजुअल टू देयर एक्शंस। Understanding those meanings can only help in explaining the cause and effect। तो interpretivist school का क्या मानना था, कि जो मीनिंग इंडिविजुअल्स ने अटैच किया है अपने एक्शन को, उस मीनिंग को समझने की आपको जरूरत है। सिंपल, इसका बेसिस क्या है इस अप्रोच का, कि जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी एक वॉलंटरी विल होती है, एंड हिज थॉट्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे पॉजिटिविस्ट क्या कहते थे, सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है, शेप करती है इंडिविजुअल को। इनका ये मानना है नहीं, आपकी अपनी वॉलंटरी विल है, आप कोई चीज ना मानना चाहो सोसाइटी की, आप नहीं मानोगे, और जो आपके थॉट्स है वो सिर्फ एक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के टर्म्स में उसको नहीं समझा जा सकता है। आपको अपने थॉट्स समझने के लिए, सोशियोलॉजिस्ट को इंसान के थॉट समझने के लिए उसके माइंड का इनडेप्थ एनालिसिस चाहिए, कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तो उसके इंटरैक्शंस की मीनिंग समझना काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी ही शेप करती इंडिविजुअल को, तो सोसाइटी में चेंजेस नहीं आती, लेकिन सोसाइटी चेंज हो रही है क्योंकि इंडिविजुअल का अपना वॉलंटरी विल है। ह्यूमन बीइंग्स में कॉन्शियसनेस है विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। इसको वॉलंटरिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है. वेबर ऑल्सो प्रपोज साइंटिफिक मेथड्स फॉर इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी. मेथड जो थे यूज बाय वेबर इंक्लूडेड वर्स्टेन आइडियल टाइप एंड कंपैरेटिव मेथड्स. ये हमें वेबर चैप्टर 4 में आपको एक्सप्लेन पूरा डिटेल में करूंगी. द अप्रोच ऑफ वेबर जो थे इट लेटर इन्फ्लुएंस दी इमरजेंस ऑफ प्योरली नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस. अब जो ये नॉन पॉजिटिविस्ट बाद में आ गए वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे वेबर की आइडियोलॉजी से. और अगर आप देखोगे वेबर आप पढ़ोगे भी तो आपको बैलेंस्ड इंडिविजुअल लगेंगे, उनमें काफी बैलेंस्ड बातें कही हैं. कौन सी नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच, जैसे फिनोमिनोलॉजी ऑफ अल्फ्रेड शूट्स, ये हम अभी देखेंगे नीचे अल्फ्रेड शूट्स, और एथनोमेथोडोलॉजी ऑफ हेरल्ड गॉफिंकल. ठीक है, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? वेबर की आइडियोलॉजी से. जॉर्ज सिमेल एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट वाज अनदर अर्ली डॉयन ऑफ दिस अप्रोच. ये भी इंपॉर्टेंट नाम है. अमेरिका में शिकागो स्कूल बाय लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, मीड एटसेट्रा टुक दिस एडिशन फॉरवर्ड. तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में भी नॉन पॉजिटिविस्ट का इन्फ्लुएंस था. उनके कुछ नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हो इनकेस एग्जाम में आपको अमेरिकन सोशियोलॉजी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए. तो फिनोमिनोलॉजी देखते हैं क्या होता है. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी. देखो आपको पता, अब ये आपको एक बैकग्राउंड है कि पॉजिटिविस्ट क्या बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें, सोसाइटी को ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो. फिनोमिनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? जो आपके डेली फिनोमिना है उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज जाते हो, डेली आप घर से कॉलेज जाते हो, ठीक है, आप कम्यूट करते हो, तो आप बस लोगे, ट्रेन लोगे, फाइन. तो आपके लिए आपकी उस जर्नी का क्या मीनिंग है? कोई वो उसको वेस्टफुल समझता है कि इतना टाइम वेस्ट हो जाता है आने जाने में, इतने घंटे बर्बाद हो जाते हैं. किसी के लिए वो टाइम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है, वो अपने बारे में कुछ चीजें सोचता है. कोई उस टाइम में कुछ नया सीखता है. किसी ने उस टाइम में अपना एक ग्रुप बनाया होता है जो ट्रेन में जिन लोगों से वो डेली मिलता है, सोशल इंटरेक्शंस होती हैं उस टाइम में. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल उस फिनोमेना को अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे देखता है, वो अपने उसका परसेप्शन क्या है, उस अपने डेली कम्यूट करने के, अप डाउन करने को उसका क्या परसेप्शन है, वो क्या समझता है, तो वो चीजें आप समझो. ठीक है, ये फिनोमिनोलॉजी कहता है कि आपके जो सोसाइटी में जो फिनोमेना हो रहा है डेली बेसिस पे, डेली एक्टिविटीज, डेली लाइफ, उसको समझने की कोशिश करो. फाइन, तो इट इज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव. इसमें ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको इसमें दो चार बातें याद रखनी है जो इन्हें कही थी. ये एक ऑल्टरनेट है टू पॉजिटिविज्म. इट सिंपली मीन स्टडी ऑफ फिनोमेनन इन सोसाइटी. ठीक है, फिनोमिनोलॉजी इज नीदर अ डॉक्ट्रिन नॉर अ फिलोसॉफिकल स्कूल बट इज मेयरली अ स्टाइल ऑफ थॉट एंड मेथड बाय विच इन्वेस्टिगेटर कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड रिजल्ट ईच टाइम. अब आपकी कम्यूट अगर आप करते हो, एक ही इंसान रोज कम्यूट करता है लेकिन रोज के उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे. ठीक है, तो आपको उस कम्यूट करने को आप स्टडी करो. फाइन, ये इन बातों पे आप ध्यान दो. सोशल फिनोमेना जो रियली रूटीन में फिनोमेना चल रहे हैं उन पे ध्यान दो. तो ये रैडिकल डिपार्चर था फ्रॉम पॉजिटिविस्ट अप्रोच और फर्स्ट प्योर नॉन पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव था सोशियोलॉजी का. इसने आर्ग्यू किया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज जो है फंडामेंटली डिफरेंट है. मैन में कॉन्शियसनेस है, मटीरियल थिंग्स डोंट, इनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, इसीलिए मेथड्स आप यूज नहीं कर सकते हो नेचुरल साइंस के किसमें, सोसाइटी में. और जो मीनिंग्स है उनके अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट होते हैं बाय द एक्टर्स इन कोर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है? मीन्स अगर हम डेली कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो मीनिंग किसी चीज का हमारे लिए चेंज होता रहेगा, ये सेम नहीं रहता है. मीनिंग किसी भी चीज का वो हमारी इंटरेक्शन में डेवलप, कंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, कभी आप किससे बात कर रहे हो, बात करते करते फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बारी हाई फाइव किया, ठीक है, या किसी को हंसते हंसते किसी के टांग पे ऐसे मारते हैं या किसी के बैक पे ऐसे पैट करते हैं हंसते हंसते. तो कभी गुस्से से भी आप किसी के बैक पे पैट कर सकते हो, कभी गुस्से से किसी को मार सकते हो, वो भी आगे से हाथ उठाएगा तो एक काइंड ऑफ हाई फाइव बन जाएगा, हाई फाइव, लेकिन वो गुस्से वाला होगा. तो ये जो मीनिंग्स है ये इंटरेक्शंस के हिसाब से बदलते रहते हैं. फाइन, तो उन्हीं मीनिंग्स को आपको समझने की जरूरत है. ये मीनिंग का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट के अंडर समझने होंगे. ठीक है, एक फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से द सोशल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी विच लाइज बियॉन्ड द मीनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. फाइन, तो इसको किसने डेवलप किया था? अल्फ्रेड शूट्स ने, लेकिन उससे पहले इसको इनिशियली फिलोसॉफिकल बेसिस की प्रोवाइड की थी एडमन हसल ने. ठीक है, अब देखो ये डिस्क्राइब करता है हाउ अ स्ट्रीम ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल डेवलप देयर ओन सब्जेक्टिव रियलिटी एंड मीनिंग्स. कि कोई जो एक सोसाइटी अनडिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स मीन जो ज्यादा जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं हो सोसाइटी में, कैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो ज्यादा चेंज नहीं होते हो, थोड़े स्टैटिक टाइप के इंडिविजुअल्स हो, एक स्मॉल सोसाइटी को चाहे बिलोंग करते हो, उनकी अपनी कोई सब्जेक्टिव रियलिटी इन मीनिंग्स होगी. ठीक है, ये जो मीनिंग्स हैं दे आर कंस्ट्रक्टली नेगोशिएटेड इन एन ऑनगोइंग इंटरैक्शन प्रोसेस. इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये अगेन वो एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी थी सोशल इंटरेक्शन की, रिकंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट वाली, की जो अनडिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स है उनकी अपनी रियलिटी एंड मीनिंग्स है हर चीज को क्यों लेके, जो चेंज होती रहती है. जब मीनिंग्स ही चेंज होता रहेगा तो आप कैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करोगे. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपका जो कॉम्पोनेंट है वो चेंजिंग नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं वो चेंज होता रहे आपका कॉम्पोनेंट. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, वाटर बॉइल होता है, ठीक है, बाद में वो कॉज है और इफेक्ट क्या है, वो इवेपोरेशन होती है. इसमें कोई चेंज नहीं आएगी ना. वाटर चाहे किसी भी कंटेनर में डालो वो वाटर ही रहेगा. उसको आप चाहे हीट किसी भी तरीके से दो, गैस पे रखो, इंडक्शन पे रखो, हीटर पे रखो, उसको हीट ही मिलेगी और आगे इवेपोरेशन ही होगी. तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्शन में चीजों का मीनिंग बदलते रहते हैं, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, तो उन चीजों को आप कॉज एंड इफेक्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो जिन चीजों का मीनिंग चेंज होता रहता है. अब पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव्स है, तो क्या क्या चीजें हैं, फिर हम लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे एक बारी, फिर ये टॉपिक रिविजन उसका वहां से आपका हो जाएगा. और इन्होंने क्या कहा, much of Schutz's work focused on the aspect of social world which he termed as life world or the world of everyday life. कि world of everyday life पे आपको ध्यान देना है, everyday phenomena जो हमारी that happen in our social lives, ठीक है, एक ये चीज है. और उन्होंने कहा कि dialectical relationship होता है between the way people construct social reality and the stubborn external social and cultural reality that they inherit from those who preceded them in the social world. That means आपकी जो अपनी individuality है और जो चैलेंजेस आप पे सोसाइटी के थॉट्स पोज करता है, इन चीजों का जो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है उस पर फोकस करो. देखो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप मींस जैसे वन थिंग लीड्स टू द अनदर, दो चीजों का रिलेशनशिप आपस में जो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं. फाइन, जैसे क्वेश्चन और आंसर, इसका कोई रिलेशन है, आप क्वेश्चन दोगे तो वन क्वेश्चन वुड लीड यू टू एन आंसर, तो ये काइंड ऑफ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप हो गया. तो उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल की अपनी एक अपना थॉट प्रोसेस है जो लोग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी रियलिटी, और जो सोशल एक्सटर्नल सोशल और कल्चरल रियलिटीज हैं जो इनहेरिट करते हैं अपने पुराने जनरेशन के लोगों से, अपने एंसेस्टर्स से, उनके बीच का जो डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है कि एक का असर दूसरे पे क्या हो रहा है उसको स्टडी करो. फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर होमोसेक्सुअलिटी की एग्जाम्पल ले कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इस चीज को मना करते थे, लेकिन अब सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो उनके मना करने से और हमारे एक्सेप्टेंस बढ़ने का जो रिलेशनशिप है कि एक का असर दूसरे पे क्या हो रहा है, उन चीजों को स्टडी करो. कि कहीं ना कहीं अब ग्रैंड पेरेंट्स भी किसी के इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स अगर नहीं मानते हैं तो उनके जो बच्चे हैं, हमारी आज की जनरेशन है, वो भी इस चीज को नहीं मान रही है. तो दोनों ग्रुप्स का एक दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है, उसका डायलेक्टिकल रिलेशनशिप क्या है, उस पर ध्यान दो, ठीक है. और एक बात इन्होंने की फिनोमेनोलॉजी वाले टाइपिफिकेशंस. टाइपिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, द वे द फिनोमेना विच इज बीइंग एक्सपीरियंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस. टाइपिफिकेशन सिंपली आप एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, आप क्लासिफाई करते हो कुछ चीजों को. एग्जाम्पल लेके समझो, अगर आप अपने फ्रेंड को देखते हो, ठीक है, वो आपको स्माइल दे रहा है या काफी जॉवियल मूड में है, उसके चेहरे पे स्माइल है, उसकी आंखें ट्विंकल कर रही हैं, वो भागते हुए आपके पास आ रहा है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कोई गुड न्यूज है, ठीक है. वो क्यों पता चलेगा, क्योंकि आंखें ट्विंकल करना, उसके खुशी से दौड़ते हुए आपके पास आना, उसका स्माइल करना, उसका हंसना, इसको आपने क्लासिफाई किया है और रिलेट किया है विद हैप्पीनेस. अब आपको जब भी किसी इंसान को उस मूड में देखो आपको पता है कि ये खुश होगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में इस सारे जेस्चर्स को, हंसने को, आईज ट्विंकल को, ठीक है, वैसे एक्शन करने को, आपने अपने माइंड में इसको क्लासिफाई किया हुआ है कि इट इज अ स्टेट ऑफ या सब्जेक्ट है ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, तो वो इंसान खुश है. अब इसका ऑपोजिट ले लो, कोई गुस्से में होगा तो आपको पता चल जाएगा गुस्से में क्यों, क्योंकि उसके जो उस टाइम पे एक्शंस होंगे आपने माइंड में इसको क्लासिफाई किया हुआ है कि नहीं ये गुस्से के एक्शंस है, उसकी टाइपिफिकेशन आपके माइंड में हुई है. तो इन्होंने ये इंटरेस्ट है किसमें, कहते हैं लोग टाइपिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी इंटरेक्शन डेवलप होती है और अंडरस्टैंड करते हैं वो सोशल रियालिटी को. देख लो, बेसिक प्रेमिस ऑफ अल्फ्रेड शूट्स वाज लेटर सिस्टमाइज्ड बाय पीटर बर्जेन, थॉमस लकमैन, ठीक है, इन्होंने इसको आगे और सिस्टमैटिक बनाया था. जो फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं कॉजल एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट करते हैं, हमने कहा जनरलाइजेशन ऑफ थियोरी एंड यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक मेथड, इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। सोशल मीनिंग ऑफ फिनोमेना कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम विद इंडिविजुअल्स इन सब्जेक्टिविटी, फाइन, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। अकॉर्डिंग टू फिनोमिनोलॉजिस्ट देयर इज नो रियलिटी बियॉन्ड द सब्जेक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल क्या बोलता है, फिनोमेना को कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, सिर्फ वो चीजें इंपॉर्टेंट है। फाइन, एक बार ही इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका फिनोमेनोलॉजी का हमने कहा कि इसमें क्या क्या आता है, इस ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव्स, तो हमने क्या क्या पर्सपेक्टिव देखे इसमें। रेडिकल डिपार्चर है पॉजिटिविस्ट अप्रोच से, ठीक है, और ये कोई डॉक्ट्रिन या फिलोसॉफिकल स्कूल नहीं है, ये एक स्टाइल ऑफ थॉट है, मेथडोलॉजी है बाय विच द इन्वेस्टिगेटर कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड रिजल्ट्स ईच टाइम। दैट मीन्स पहला क्या है, स्टडी करता है फिनोमेना इन सोसाइटी, और वो जो फिनोमेना का एक्सपीरियंस है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, ठीक। रेडिकल डिपार्चर है आपके पॉजिटिविस्ट से, ये भी हो गया। मैन और काम पे आ गया, देखो जो सब्जेक्ट मैटर है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का, ये सब्जेक्ट मैटर फंडामेंटली डिफरेंट है, सब्जेक्ट मैटर वाली बात आ गई, ठीक है। मैन हैज कॉन्शियसनेस एंड मेटीरियल थिंग्स डोंट, मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सोशल साइंस, इसीलिए इनका सब्जेक्ट मैटर जो है वो अलग है। इसमें थर्ड हम देख लेते हैं, मीनिंग्स की बात आ गई कि मीनिंग्स का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीनिंग्स की नहीं है, वो कंस्ट्रक्ट, चेंज, रिकंस्ट्रक्ट होते हैं सोशल इंटरेक्शन में, ये तीसरा आ गया। चौथा हमने किसकी बात की, हमने बोला यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्क्राइब, ये मीनिंग्स वाली बात हो गई, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। चौथा हो गया लाइफ, एवरीडे लाइफ की बात हो गई कि एवरीडे लाइफ में क्या हो रहा है, उन चीजों पे ध्यान दे दो। पांचवा टाइपिफिकेशंस की बात हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर आप लिखोगे ना, मतलब आंसर्स के लिए अपना ये याद रखोगे कि इसमें मीनिंग्स की बात है, सब्जेक्ट मैटर की बात है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात है, टाइपिफिकेशन की बात है, सोशल फिनोमेना, एवरीडे लाइफ, तो इससे आपको क्या रहेगा, मोटे मोटे पॉइंट्स जो आपको आंसर में लिखने हैं वो आपको याद रहेंगे। तो ये 5-6 चीजें जो हमने इसमें डील की है, और हाँ ये रिजेक्ट किया है इन्होंने कॉजल एक्सप्लेनेशन को, तो इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव्स भी आप बोल सकते हो। ये हो गया। अब लास्ट में इसका ये देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा दिया हुआ है इसमें। जो फिनोमिनोलॉजी है ये फेडेड आउट ड्यू टू इट्स प्योर सब्जेक्टिव नेचर, इनेबल टू डिलीवर कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स। अब सच बताना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, आपको ये देख के ये नहीं लगा कि ये क्या बोला है इसने, ये बातें तो हमें पता है, सिंपल सी बात है ये, मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लेन तो नहीं किया, कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है कि ठीक है लोगों के रोज के इंटरेक्शन पे ध्यान दो, वो तो वैसे भी ध्यान देते हैं उनपे, तो इसीलिए इनको बोला गया है कि देयर इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस एंड वेरी नैरो एंड स्पेक्युलेटिव इन नेचर, की बहुत नैरो स्पेसिफिक स्पेकुलेटिव नेचर, कुछ कंक्रीट नहीं है, स्पेकुलेशंस ही हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, फाइन, जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सको, किसी सोसाइटी को वैसे करके स्टडी कर सको उस कॉन्सेप्ट को लेके, कि ऐसी कोई बात नहीं की है, ज्यादा कॉमन सेंस से रिलेटेड है, कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन टाइप बनाया है सोशियोलॉजी को, अगर हम फिनोमिनोलॉजिस्ट की बात करेंगे, इसीलिए कुछ ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही नहीं आगे की स्टडीज में, एंड ग्रेजुअली इट फेडेड आउट, क्योंकि काफी सब्जेक्टिव था नेचर में, फाइन। तो ये सारी चीजें हमने देख ली फिनोमिनोलॉजी को लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। उससे पहले डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू हियर, इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, ठीक है। टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।